बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सिक्स, लेक्चर नंबर 3, सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 4, इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शंस। इन्वायरमेंट मीन्स माहौल। अब इन्वायरमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑल द थिंग्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या बनाती हैं? माहौल बनाती हैं, हमारा इन्वायरमेंट बनाती हैं। थिंग्स टू टाइप्स की हो सकती हैं, बायोटिक, एबायोटिक। अब व्हाट इज़ बायोटिक एंड व्हाट इज़ एबायोटिक? बायोटिक ऐसी थिंग्स को कहते हैं जो जानदार हैं। लिविंग थिंग्स इज़ नोन एज बायोटिक, ठीक है? जितनी भी आपकी इन्वायरमेंट के अंदर लिविंग थिंग्स हैं उनको हम बायोटिक कहेंगे, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको हम एबायोटिक कहेंगे। एबायोटिक बेजान चीज़ों को कहेंगे, बायोटिक जानदार चीज़ों को कहेंगे। तो ये तमाम चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं? हमारा माहौल बना देती हैं, इन्वायरमेंट बना देती हैं। नेक्स्ट है इंट्रैक्शंस। इंट्रैक्शन कहते हैं रिलेशन होना किसी चीज़ के दरमियान। तो एनिमल्स के रिलेशन को जो है हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है कि एनिमल्स जो हैं माहौल के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर किस तरह से इंट्रैक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है उनका, उसको स्टडी करना है हमने। इन्वायरमेंट एंड इंट्रैक्शंस, ठीक है? इन्वायरमेंट अब आपको क्लियर हो गया। ऑल द थिंग्स अराउंड अस इज नोन एज इन्वायरमेंट। बायोटिक भी हो सकती हैं, एबायोटिक भी। बायोटिक मीन्स के जानदार, लिविंग थिंग्स, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं लाइफ के, इन्वायरमेंट के, ठीक है? इसी तरह एबायोटिक, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक एयर, हवा, सॉइल, मिट्टी, ठीक है? इसके अलावा टेम्परेचर, सनलाइट, वाटर, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट है, नॉन लिविंग कंपोनेंट है इन्वायरमेंट के। इंट्रैक्शंस, रिलेशन बिटवीन एनिमल्स, तो इन चीज़ों को हमने इस चैप्टर में जो है वो स्टडी करना है। एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू प्लांट डिपेंड अपॉन एनिमल्स? प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से डिपेंड करते हैं एनिमल्स के ऊपर? फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? एनिमल्स से लेते हैं। किस तरह? हमें पता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लांट्स यूज़ करते हैं अपना फूड बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो इस तरह से प्लांट डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर? एनिमल्स के ऊपर। फॉर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेक फूड। फूड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। All animals release carbon dioxide during respiration. तमाम animals respiration के दौरान carbon dioxide को release कर देते हैं environment में, ठीक है? Plants absorb this gas for photosynthesis. Plant इस gas को absorb कर लेती है photosynthesis के लिए. Photosynthesis is a process in which plant can make their food. ठीक है, एक ऐसा process जिसके अंदर plant अपना खुराक तैयार करते हैं. In this way plants depend upon animals. इस तरह plants depend करते हैं किसके ऊपर? Animals के ऊपर. Next चलते हैं question number 2 पे. एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्क्राइब, एक्सप्लेन करें। एबायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं? नॉन लिविंग फैक्टर्स, ठीक है? जिसमें लाइट, एयर, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसको हमने अब देखना है। सबसे पहले नंबर 1 पे लाइट, रोशनी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। ये एक बहुत अहम एबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर है हमारे इन्वायरमेंट का, ऑफ आवर इन्वायरमेंट। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट इनर्जी। सन जो है वो लाइट इनर्जी का सबसे बड़ा जरिया है, बड़ा सोर्स है। नेक्स्ट आ जाए एयर, हवा। इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है ये भी इन्वायरमेंट का। एयर कॉन्टेन डिफरेंट गैसेज, एयर में डिफरेंट गैसेज होती हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इसके अलावा और भी बहुत सी, ठीक है? तो एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। नेक्स्ट आ जाए सॉइल पे। सॉइल, मिट्टी, इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट,
ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। जितने भी प्लांट्स हैं वो सॉइल में ही ऑलमोस्ट क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स गेट करते हैं सॉइल से। नेक्स्ट है वाटर। वाटर इज़ द इसेंशियल फॉर लाइफ। इसेंशियल मीन अहम है बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए। लाइफ के लिए वाटर बहुत ज़्यादा असेंशियल है। इट इज़ प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट ऑफ वेरी ऑफ एवरी प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तमाम जो आपका माहौल है वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट है प्लांट्स के लिए भी अहम है और एनिमल्स के लिए भी। एवरी प्लांट और एनिमल जो है वो क्या करता है, डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। नेक्स्ट आ जाएं, ये आपके क्या थे तमाम, ये आपके एबायोटिक फैक्टर्स थे। एबायोटिक फैक्टर मीन्स नॉन लिविंग फैक्टर्स इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल। नीचे कुछ टर्म्स दी गई हैं, उसको आपने एग्जाम्पल के थ्रू क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। पॉइंट 1 है आपका पैरासिटिज्म। व्हाट इज पैरासिटिज्म, डिफाइन करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले सुन लें। रिलेशनशिप इन्वायरमेंट सॉरी ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप, ताल्लुक, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करे, फ़ायदा हासिल करे और दूसरे को नुकसान पहुंचा दे, उस रिलेशनशिप को आप क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म। दो ऑर्गेनिजम्स हों, एक बेनिफिट में है और दूसरा क्या है, हार्मफुल है, दूसरा उससे नुकसान उठा रहा है, तो इस प्रोसेस को आप पैरासिटिज्म कहेंगे। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज़ हार्म्ड एंड अदर इज़ हेल्प्ड। एक को तो हेल्प मिल रही है, फ़ायदा उठा रहा है, दूसरा क्या है, नुकसान में है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, मॉस्किटो एंड ह्यूमन बींग्स। अब आपने देखा होगा मॉस्किटो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को जब क्या करते हैं, उनका ब्लड सक करते हैं, उनमें डिजीज कॉज करवा देते हैं। एक तो उन्होंने क्या किया, मॉस्किटो ने ह्यूमन से अपनी खुराक ली, ब्लड सक किया, ठीक है, खुराक ली, लेकिन इन रिटर्न बदले में क्या किया, उनको नुकसान पहुँचाया, डिजीज कॉज करवा दी। फॉर एग्जाम्पल डेंगू वगैरह, डेंगू का जो बुखार है, इसके अलावा मलेरिया जो है वो किससे होता है, मॉस्किटो से होता है, मॉस्किटो बाइट करता है जब, तो मॉस्किटो क्या कर रहा है, ह्यूमन बींग से ब्लड सक कर रहा है, फ़ायदा ले रहा है, ठीक है, अपनी फूड ले रहा है, तो इन रिटर्न क्या कर रहा है, इनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये पैरासिटिज्म की क्या है, एग्जांपल है। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म। व्हाट इज़ म्यूचुअलिज्म, बेसिकली ये भी क्या है, रिलेशनशिप है बिटवीन टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि इकट्ठे रहते हैं और दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं मतलब है कि दोनों एक दूसरे से फ़ायदा हासिल कर रहे होते हैं। द रिलेशनशिप इन विच टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है, इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। एग्जांपल है एलजी एंड फंजाई, जिसे हम लाइकन कहते हैं, ठीक है, एलजी और फंजाई इकट्ठे रहते हैं, एलजी अपनी खुराक खुद बना सकती है, फंजाई अपनी खुराक खुद नहीं बनाता, एलजी खुराक बना के खुद भी लेती है और फंजाई को भी देती है, इसकी हेल्प कर रही है, ठीक है, और फंजाई बदले में क्या करता है कि एलजी को प्रोटेक्ट करता है, इसको तहफ़ फ्राहम करती है, तो इस रिलेशन को, एलजी और फंजाई के रिलेशन को याद रखिए, लाइकन कहते हैं। एलजी फूड प्रिपेयर कर सकती है और फंजाई को फूड जो है वो एलजी से मिलता है और फंजाई बदले में इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो ये क्या है, म्यूचुअलिज्म है, दोनों ऑर्गेनिज्म क्या है, बेनिफिट में है, दोनों एक दूसरे से फायदा हासिल कर रहे हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स की टाइप को आपने डिफाइन करना है, तो कंज्यूमर्स को पहले देखते हैं कि व्हाट इज कंज्यूमर। कंज्यूमर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपनी फूड के लिए, तो इसकी 3 जो टाइप्स हैं आपकी बुक में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट ईट करते हैं, ओनली प्लांट, ठीक है, प्लांट से अपना फूड लेंगे, उनको आप क्या कहेंगे, हर्बीवोर्स हैं। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है गोट, रैबिट वगैरह, ठीक है, ईट ओनली प्लांट्स, गोट रैबिट वगैरह। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो ईट करते हैं अदर एनिमल्स को, एनिमल्स के जो है फ्लैश के ऊपर रिले करते हैं, डिपेंड करते हैं, यानी एनिमल्स को ईट करते हैं, ईट अदर एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, स्नेक। इसी तरह से ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट भी ईट कर लेते हैं और एनिमल्स को भी, प्लांट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक ह्यूमन। हम सब्जियां भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं, इसके अलावा मीट भी खा लेते हैं, गोश्त वगैरह भी खा लेते हैं, तो हम डिपेंड करते हैं हम बोथ के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी, ठीक है, क्रॉप भी जो है वो ओमनिवोर्स है। तो क्वेश्चन आंसर्स आपके क्लियर हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में है आपके पास सबसे पहले फिलप्स हैं, ठीक है, सूटेबल वर्ड जो है वो आपने पुट करना है। पॉइंट ए है प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज एन इन्वायरमेंट,
इन एन इन्वायरमेंट, ठीक है। प्लांट एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्वायरमेंट में क्या हैं, बायोटिक कंपोनेंट हैं, जानदार हैं, प्लांट भी, पौधे भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। इसी तरह पॉइंट टू है द एनिमल्स डैट कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो पौधे भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी, उनको क्या कहते हैं हम, ओमनीवोर्स। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर एग्जाम्पल ऑफ, बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं, ब्रेक डाउन करवाते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स की, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स, बिकॉज ये डिकम्पोज करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर की। नेक्स्ट है अ लिविंग थिंग डैट लाइफ ऑन और इन एन अदर लिविंग थिंग्स एंड हार्म इट, स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि एक लिविंग थिंग जो कि दूसरे लिविंग थिंग के ऊपर रहती है और उसको बदले में नुकसान देती है, उससे फ़ायदा लेके उसको नुकसान देती है, तो हमने इसको पीछे क्वेश्चन में भी डिस्कस किया कि इस रिलेशनशिप को हम पैरासिटिज्म कहते हैं। तो वो बेसिकली पूछना ये चाह रहा है कि अ लिविंग थिंग डैट लिव और इन एन अदर लिविंग थिंग, एक ऐसा लिविंग थिंग जो किसी दूसरे लिविंग थिंग के ऊपर रहता है और उसको हार्म करता है, उसको कहते क्या है, पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, उससे शेल्टर लेता है, पनाहगाह लेता है, रहने के लिए जगह लेता है और बदले में क्या करता है, उसको नुकसान पहुंचा देता है। नेक्स्ट है अ रिलेशनशिप बिटवीन टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच बोथ बेनिफिट्स, ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर दोनों ऑर्गेनिज्म क्या हो, बेनिफिट में हो, दोनों फ़ायदे में हो, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म। और इसकी एग्जांपल में हमने कहा था लाइकन, एल्जी और फंजाई, ठीक है। एन एनिमल डैट इज किल्ड बाय अ प्रीडेटर, एक एनिमल जो प्रीडेटर शिकारी से किल होता है उसको क्या कहते हैं, शिकारी, जिसको शिकार करता है, जिस एनिमल को उसे हम प्रे कहते हैं, शिकार, ठीक है, प्रे। नेक्स्ट है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर, अप्रोप्रिएट जो आंसर है उसको आपने सर्कल कर देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पॉइंट ए, क्वेश्चन ए, एन ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट इज, इन्वायरमेंट का ए बायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन सा, प्लांट नो ये लिविंग है, एनिमल ये भी लिविंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी लिविंग है, तो वाटर इज द ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है अ पाइन ट्री इज, अ पाइन ट्री क्या है, प्रीडेटर है, कंज्यूमर है, पैरासाइट है, नो, प्रोड्यूसर है, ट्रीज क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, बिकॉज दे कैन मेक देयर ओन फूड, ऑर्गेनिजम्स डैट फीड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक के लिए पौधों पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर्स, ठीक है। कंज्यूमर्स कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प क्लीन अ प्लेस ऑफ वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्लीन करते हैं ऐसी प्लेस को जहाँ पर डेड ऑर्गेनिक मैटर हो या डेड रिमेन्स हो, तो वो हैं डिकम्पोजर्स, बैक्टीरिया और फंजाई। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देते हैं, डिके करते हैं, उनकी तोड़फोड़ करते हैं और उस जगह को क्लीन कर देते हैं, हेल्प क्लीन अ प्लेस ऑफ वेस्ट एंड डेड रिमेन्स। नेक्स्ट है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म की एग्जाम्पल बताएं, टू स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स डैट फीड ऑन द सेम रेयर प्लांट, ठीक है। तो ये किसकी एग्जाम्पल होगी आपके पास, पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म है क्या था, ऐसा रिलेशन जो कि दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हो जिसमें एक जो है फ़ायदा ले रहा है और दूसरा क्या है, नुकसान में है, तो उसको आप क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म। तो ये आपने एक्सरसाइज को और क्वेश्चन आंसर्स को अच्छी तरह लर्न करना है, और लर्न करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा ज़ुबानी लिखना भी है, और किसी किस्म के